यदि आपको भी घुटने के दर्द ने परेशान कर रखा है, आप ठीक से उठ बैठ नहीं पाते हैं, चल फिर नहीं पाते हैं, दवाई खा खा के आप थक चुके हैं और अब आपने मन बना लिया है कि ऑपरेशन ही एकमात्र ऐसा विकल्प है जिसके जरिए हम अपने घुटनों को स्वस्थ बना सकते हैं और हम आसानी के साथ अपनी दैनिक क्रियाएं कर सकते हैं, तो आप सरासर गलत हैं। संकल्प लें अपने मन में और आज से ही योगाभ्यास शुरू करें। जिन आसनों का या जिन एक्सरसाइज का अभ्यास मैं आपको बताने वाला हूं, आपको प्रत्येक दिन सुबह या फिर शाम को कम से कम आधा घंटा मेरे बताए गए आसनों का अभ्यास करना है। यदि आप मेरे बताए गए आसनों का अभ्यास करते हैं तो 45 से 50 दिन में आपके घुटने लगभग 50 से 70% बिना किसी दवा के ठीक हो जाएंगे। यह मेरा आपसे वादा है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जी, सबसे पहले आपने जमीन पे या कुर्सी पे या फिर पलंग पे बैठ जाना है। पैर बिल्कुल आपके सीधे, यदि आपके घुटने नीचे यानी आपकी टांगे सीधी नहीं होती है दर्द के मारे तो कोई बात नहीं, आप ऐसे बैठ सकते हैं, लेकिन कोशिश करें आपकी कमर सीधी रहे। फिर आपने करना क्या है, पैर के पंजे ऊपर की ओर रखने, सांस लेते हुए पैर के पंजे अपनी तरफ खींच लेना है, सांस को रोक के रखना है कम से कम 5 गिनने तक। फिर सांस छोड़ते हुए पैर के पंजे सामने की ओर, फिर आपने सांस को रोकना है 5 गिनने तक। फिर सांस लेते हुए पंजे अपनी तरफ और 5 गिनने तक रोकना है। सांस छोड़ते हुए सामने की ओर और फिर 5 गिनने तक रोक के रखना है। ये पहला अभ्यास आपको 5 से 10 बार लगातार करना है, फिर दोनों घुटनों को ऐसे हिला देना है। इसके बाद आपने करना क्या है, पैर को ऐसे मोड़ देना है, ये ठीक है, पैर की एड़ी मैट के ऊपर रहेगा या जमीन के ऊपर रहेगा या पलंग के ऊपर रहेगा। फिर धीरे से हाथ घुटने के ऊपर और पैर को ऐसे आगे प्रेस करना है, फिर पंजा अपनी तरफ, फिर सांस लिया, घुटना मोड़ा, हल्का सा घुटनों पर, हाथ घुटने के ऊपर, सांस को रोक के रखना है, सांस छोड़ते हुए पैर सीधा, सांस लेते हुए हल्का सा ऊपर। ये अभ्यास आपको 5 से 10 बार लगातार करना है, सांस छोड़ते हुए सामने। अब आपने घुटने की मालिश करनी है, मैं आपको दिखा दूं कैसे करेंगे आप घुटने की मालिश। ये ऐसे दोनों हाथ घुटने के अगल बगल और हल्के हल्के घुटने के चारों तरफ मालिश करनी है, ये ठीक है। फिर आपने नी कैप को ऐसे दाएं बाएं और आगे पीछे हिलाना है अपने आप धीरे धीरे। फिर हल्का सा घुटना मोड़ना, एक हाथ घुटने के नीचे और दूसरा हाथ की हथेली घुटने के ऊपर। अब ऐसे पहले दाएं तरफ 5 बार घुटने को घुमाना है, फिर बाएं तरफ, ये ओके, फिर पैर सीधा। यही अभ्यास आपको दूसरे पैर से भी करना है। सांस लिया, पैर ऊपर, पंजा ऊपर, सांस को रोक के रखना है 5 गिनने तक, 7 गिनने तक या फिर 10 गिनने तक, फिर छोड़ दिया नीचे। फिर सांस लिया, घुटना ऊपर उठाया, रोक के रखा यहां पे, 5 4 3 2 1, सांस छोड़ा सामने और पैर का पंजा अपनी तरफ, सांस लिया ऊपर, 5 4 3 2 1, सामने और अब घुटने की मालिश, ये ऐसे हल्के हाथों से, बिल्कुल हल्के हाथों से, ये हल्के हाथों से, ये फिर एक हाथ नीचे, एक हाथ घुटने की कैप के ऊपर और घुटने की कैप की मसाज करनी है। अब ये दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, ये
पैर सीधा बिल्कुल। अगला और महत्वपूर्ण अभ्यास, पैर के दोनों पंजे आपकी तरफ, दोनों हाथों से पैर को ऐसे पकड़ देना है, सांस लेते रहना है, छोड़ते रहना है, लेते रहना है, छोड़ते रहना है। ओके, फिर वापस अब दोनों घुटने मोड़ने हैं, हाथ नीचे अपनी थाइज के बराबर में, फिर सांस छोड़ते हुए दोनों पैर सीधे लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए सामने। 10 से 15 बार आपको ये अभ्यास करना है और फिर पैरों को आपस में हिला देंगे। ओके, उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि अन्य लोग भी आपकी तरह इस वीडियो से कुछ लाभ प्राप्त कर सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए रखिएगा अपना और अपने परिवार की सेहत का ख्याल। जय हिंद, जय भारत।